है गाइस गुड मॉर्निंग। तो यार आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यार। सीधा सीधा ना सनसाइड हो गया है क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 7 और सीधा यार मेरे फेस पे आ रहा है तो ना चौनी सी लग रही है। अभी कर लिया पीछे का भाई। अभी देखो ये हमारा पंप है। रात में आके रुके थे, हमारी कंपनी की एक गाड़ी ये लगी है और प्लस हमारी गाड़ी भाई वो लगी है क्योंकि हमें लेना है डीजल। और ये देखो अशोक लीलैंड का जो कि केबिन जा रहे अभी कम्प्लीट नहीं है, बस ऐसे ही भाई बॉडी बन के अभी जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं ना वहाँ पे पूरा बॉडी बनता है। अभी डीजल लेना है और हमारे पास एक टायर है, वो टायर देने हैं। जो हमने नागपुर में टायर लिए थे ना वो वाले टायर भाई यहीं पे हमें जमा करना था, अभी तक जमा नहीं हुआ। तो ये फ़ोन लगा रहा हूँ अभी सुबह सुबह, कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं कि ये टायर जमा करें क्योंकि टायर देख ही सकते हो भाई ये टायर फटा भी है। वहाँ पर देखो थोड़ी सी दिख रहा होगा ये भाई, तो ये वाले जमा करने हैं और जमा करके फिर उसके बाद भाई आगे निकलना है। तो बस कोई फ़ोन उठा ले और कहाँ पे जमा कर दिए वो बता दें। वैसे बोले थे पंप पे जमा करने के लिए। हाँ जो भाई वीडियो कंटिन्यू करते हैं और वीडियो पे ना लास्ट तक बने रहो। अभी हम लेंगे डीजल, डीजल लेके फिर इसी रास्ते से भाई सीधा बरेली, बरेली से भाई कटरा, फिर आगे आगे वगैरह वगैरह करके ना सीधा लखनऊ। फिर लखनऊ में भाई आज की रात सोएंगे, फिर देखेंगे कल कहाँ तक चलते हैं। भाई फिलहाल टायर जमा हो जाए, नया टायर तो भाई बांध के रखा हूँ यहाँ पे, ये लगाने थे पर यार लगा नहीं पाया। पंप को बोलते हैं बाय बाय और हम सीधा ना निकलते हैं भाई क्योंकि डीजल हो गया। अब सीधा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा यहाँ से आधा किलोमीटर। अभी हम रुक चुके हैं बरेली और हम आ रहे हैं किच्छा से जो कि सामने से आए थे। गाड़ी आगे से भाई यू टर्न करके यहाँ पे लगा दिया है जो कि आपको बताता रहता हूँ। आगे से यू टर्न करके फिर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर ऊपर से फिर भाई यू टर्न करके फिर इस ब्रिज पे आना, फिर सीधा जाएंगे लखनऊ की साइड। आ जाओ यहाँ पे दिख गया ना दूध वाला और फ्रूट्स की दुकान, वहाँ से लेते हैं भाई। ये भाई घोड़ा गया, वहाँ से लेते हैं भाई थोड़ा फ्रूट्स केले वगैरह जो भी हो नाश्ता में और दूध, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। वैसे धूप यार काफ़ी तगड़ी है, एक बार टायर भी अच्छे हैं भाई, ज़्यादा गर्म नहीं है। अभी रोड के डिवाइडर पे आ गए हैं, ये रही फ्रूट्स की दुकान और सामने रहा दूध। तो पहले चल के दूध लेंगे उसके बाद फ्रूट्स लेंगे। हो गया भाई अपना मार्केट, केले से ले ला लिए और दूध भी मिल गया भाई। जहाँ पे ऐसे कोई डब्बा लेके डोलता है ना दूध वाला, मैं तुरंत भाई दौड़ आके पकड़ता हूँ क्योंकि ये क्या होता है दूध अच्छा रहता है भैंस गाय का निकाला हुआ, और ये जो पैकेट का होता है भाई थोड़ा केमिकल्स वगैरह मिल के होता है ना वो वाला मैं बहुत कमी वो करता हूँ पीता हूँ, फिर भी जहाँ नहीं मिलता पी लेता हूँ। अभी केले ले ला लिए, बस अपना नाश्ता भी तैयार हो गया और बस नाश्ता करते हुए निकल देंगे सीधा भाई कटरा। कटरा फिर वही सिंगल रोड है, फिर अपना आराम से ना आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आ जाओ फिलहाल आगे से अभी यू टर्न किया जाए हाईवे पे चढ़ के। देखो यहाँ पे सबसे दिक्कत होती है ना भाई बैक करने में, क्योंकि आगे से भाई गाड़ी यू टर्न करके लाओ और यहाँ पे यार पूरा मुसीबत का जड़ बन जाता है। अभी देखिए तो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, अगर थोड़े से लोग रुक जाते तो गाड़ी आराम से बैक हो जाती है। अभी देखो लाल वाली गाड़ी देखे ना, ये चीज़ होती है। अभी हम देखो ट्रक वाले हैं तो हम रुक गए आराम से क्योंकि भाई उनको टर्न मारने दो, पर ये लोग गाड़ियाँ जो फोर व्हीलर होती है ना वो आती जाती आती जाती यार थोड़े से भी सबर नहीं कर सकते, अगर थोड़ी सी ठुक गई तो भाई बस करो ड्राइवर की गलती तुरंत निकालेंगे। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है कार वालों से और जितने भी थोड़ा बंद दिमाग है तो ध्यान दिया करो भाई। ये देखो ये देखो कांच लग जा रहे हैं, देख रहे हो यार कितना किसको समझाएं बताओ। चलो कोई बात ना, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, पर दिक्कत ये हो जाती है ना बड़ी गाड़ी को भुगतना पड़ता है, छोटी गाड़ी का गलती होती है तब भी। ये रहा भाई यू टर्न, अब गाड़ी इतना पूरा चढ़ा के मोड़नी पड़ेगी,
अभी दो नंबर गियर आराम से डालो और पीछे गाड़ी कोई नहीं आ रही है, अभी आराम से निकलो। ये भाई आ गया हमारा कटरा और यहाँ का जो ब्रिज है ना नीचे है, डर लगता है छुआ ना जाए गाड़ी और इसमें टच नहीं होती है। अब ये देखो जगह ना होते ये बिना घुस रहे हैं यार, अभी थोड़ी सी ठुकेगी ना तो फिर यार सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। अभी आराम से दो नंबर डालते हैं, दो नंबर डाल के धीरे धीरे भाई यू टर्न करते हैं। यू टर्न अलग होता है और टर्न अलग होता है, तो हमें यहाँ से ना लेना है राइट। आराम आराम से प्यार प्यार से लेते हैं क्योंकि भीड़ भाड़ एरिया ज़्यादा है। भाई बहुत भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे, बहुत आराम से निकालना पड़ता है भाई। गाड़ी जब नज़दीक में आती है ना ये तब हटाते हैं, अभी हटाने का मतलब है हमारा टायर जाएगा डिवाइडर में और फिर फटने का चांस ज़्यादा रहता है। सिर रगड़ दिया यार थोड़ा, यार थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, देख रहे हो थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। चलो निकल गई। अगली बार से अगली बार आया था तो भाई रोड तो अपना बंद था शनिवार के ही दिन, आज भी शनिवार है, निकले हैं देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे गाड़ियां आ जा रही हैं, वैसे पीछे ना यानी बुल्लापुर पड़ता है तो वहाँ पे भाई रोड अपना बंद था जो कि पुलिस वाले ने खुद रुकवा के बोला कि भाई जितनी भी गाड़ियाँ पीछे रुकी हैं आने वाली उन लोगों से बोल देना कि रोड चालू हो गया है। और फिलहाल हमें भी डर ही है कि रोड कहीं ना कहीं बंद ना कर दे, इसके लिए हम भी आराम आराम से अभी तो चल रहे हैं। आराम से कहना का मतलब स्पीड हमारी वही रहती है 40-45 और देखते हैं आगे क्या होता है, सब ऊपर वाले के हाथ में है भाई। अभी निकल रहे हैं आराम आराम से। ये पहुंच गए भाई हम सांडी, जगह का नाम है, मार्केट का नाम है। और यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है ना भाई, इतना ट्रैफिक यार बहुत हिसाब से गाड़ी निकालनी पड़ती, यानी यहाँ से 500 मीटर मान चलो 10 से 15 मिनट लग जाता है निकालने में। अभी ट्रैफिक देखो एक बार अंदाज़ा लगाओ ट्रैफिक का, तो सामने मेरे ट्रिपल सी गाड़ी जा रही है, कार चेचिस कैरियर, वो देखो कैसे कैसे जा रही है, उसके पीछे कितनी गाड़ियाँ लगी। अभी ये देखो ये मेरे इधर 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 वही, इतना जाम होता है यहाँ पे और बहुत संभाल के निकलना पड़ता है यार। आराम आराम से यहाँ पे निकले, नहीं तो मालूम क्या थोड़ा सा टच हो जाएगा ना फिर यार। मार्केट है प्लस यार, देखो यार बहुत बचना पड़ता है। अब ये ट्रैक्टर अटका हुआ है, सोच रहा कैसे निकलूं क्योंकि आगे वो कार लगी है ना इसके लिए।
भाई पार कर चुके हैं, अभी फिर से वही जगह आ गए भाई। आपको अच्छे से पता होगा ये वाला लोकेशन, देख ही सकते भाई पूरा पानी पानी, यानी हर एक दिन बारिश हो रही है ना, हर एक दिन बारिश की वजह से भाई पूरा पानी पानी है, अभी देख ही सकते हो। और इधर देखो बारिश नहीं है, पीछे देखो बारिश हो रही थी और एक एक बूंद अभी ना आना इधर भी स्टार्ट हो गया, जो कि शीशे को देख सकते हो। अभी इस भाई व्यू का ना मजा लो। अभी हम पहुंच चुके हैं मनी मऊ और भाई टर्न लेके ना अभी सर्विस रोड में ही है, अभी चढ़ने वाले स्पीड पर। अभी हम पियेंगे चाय, क्योंकि यहाँ की चाय टेस्टी रहती है और अच्छी रहती है, इसके लिए ना फिलहाल हम यहीं पे रुकने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं। चाय पीने के बाद उसके बाद भाई आगे निकलेंगे। ये रही चाय की दुकान, आ जाओ गाड़ी को लगाते हैं पहले साइड। ये भाई लग गई अपनी गाड़ी और मस्त खड़ी है। अभी आज तो फिलहाल अकेला ही हूँ मनी मऊ में, अभी निकलते हैं आगे, देखते हैं भाई कौन साथ में मिलता है कौन नहीं। वैसे जब गाड़ियाँ रोड पे निकलती ना सारे लोग मिल जाते हैं, एक बार बस टायरों को चेक कर लें और टायर थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे अपने, ऐसे फ़ायदा ये रहेगा हमारी चाय भी हो जाएगी, थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा और टायर भी ठंडा। वैसे थोड़ा थोड़ा गर्म है क्योंकि भाई सुबह से चल रही है ना, उतना मैंने ब्रेक नहीं लिया यार, इसका मैंने पूरा ब्रेक उतार दिया हूँ फिर भी ये गर्म हो रहा है, और इसका नॉर्मल है ये गर्म नहीं हो रहा है। अभी इस साइड का भी एक बार हम देख लेते हैं कैसा क्या स्थिति है इसका। भाई ये रिंग नहीं, रिंग साफ़ नहीं कर रहा है भाई, ये भी गर्म है और ये ज़्यादा गर्म है यार, यहाँ पे अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक के ना जब तक मैं टायर ठंडा कर रहा था उतने में भाई ट्रिपल सी की गाड़ी आ गई, जो कि आपको पीछे दिखाया ही था। अब ये उस्ताद मेरे साथ में जाएंगे कलकत्ता, एक ही जगह का लोड है भाई। आ जाओ, अभी उस्ताद टायर चेक कर रहे हैं और गाड़ी अभी इनकी स्टार्ट ही है। ये आ गए भाई अपने लखनऊ के टोल, यानी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल, जो कि लखनऊ साइड वाला। अभी हमें यहाँ से करना है एग्जिट, मैं टोल पार करके जगह देख के अपनी गाड़ी लगा लेंगे और यहीं पे सोएंगे, कल सुबह ना फिर आराम से निकलेंगे। वैसे मेरा चटल शकल दिख नहीं रहा होगा तो भाई इग्नोर करना, वीडियो देखो कि कब ये टोल है। इधर बारिश हुई है, पीछे बारिश नहीं हुई थी। आ जाओ फटाफट भाई पार्किंग देखते हैं कहीं पर। आ गया भाई हमारा खाना, नींबू निचोड़ते हैं भाई मजे से, सेव टमाटर मसाले में और प्लस रोटी। भाई अगर ये सेव टमाटर होता ना इसको मसाले में खाना, तो आपको सेव टमाटर बोलोगे तो ऐसी मिल जाएगी, और अगर सेव भाजी बोल दिए तो भाई आपको दूध में ही मिलेगी। ठीक, और ये रही रोटी, आ जाओ पहले इसको निपटाया जाए। तो भाई हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई ट्रिपल सी और हमारी भाई पाली अब्रांड, तभी ना यहीं पे सोएंगे और खाना के लिए, खाना खाने के लिए ना भाई आगे होटल है, और हम से मस्त सुबह दिन 4 बजे निकलेंगे। हाँ सर, 4 बजे ना, 4 बजे आराम से भाई ना निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि आगे नो एंट्री भी लगी रहेगी ना, तो आराम से पार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करो, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छी वीडियो। बाय बाय, चाहिए।